ठाकुर साहब राम राम। राम 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 जी। राम राम। ठीक ठाक हो? ओजी कहाँ ठीक ठाक रहने दे, थारा यो पड़ोसी फतेह सिंह चक्कर कटवा वेतन की सांझ, और ना पैसे दे ले देता और ना हिसाब करता दूध काट के। अभी मावा बीच का आया, जल्दी चले जा भाई। अच्छा अभी जाऊं। अरे नत्थू नहीं लतो है नाले दिखे आज तो 18-19 दिन मनाया। हाँ आज तो होली बना दी दिखे बिल्कुल ही। ठकुराइन जी अब कैसी हो? दूध काट के कमर में दर्द हो रहा, झाड़ू लगा लगा के। और तुम झाड़ू क्यों लगाओ? बहू तो है झाड़ू लगाने को, दूध काट के। बहू ना फार्म पर रखा पढ़ाई करे हो? अरे हिसाब करना है दिखे गंगा दास। हाँ ठाकुर साहब पैसे तो चाहेंगे, मुझे तो लंडी का छुचक देना दूध काट के। अरे तड़की आइए, हरिंदर पे है तेरे पर्चे। पर्चे तो मैं भी ले रहा, देखो 196 किलो दूध 30 के भाव में 5,880 का हो गया। इतना ना बैठता। इतना ही बैठे? मारे हिसाब से तो 5,000 रुपए बैठे हैं। मगर ठाकुर साहब हासिल वासिल भूल गए देखो। हासिल ना भूल ले, ये हम दूध के हिसाब में हासिल ना लगाते हैं, ठीक कह रहे हैं ये। ठकुराइन चुप रहे, हिसाब हम कर रहे। अजय हिसाब तुम कर लो, हासिल ही ना लगाना है तो अपने घर जाकर लगा। मैं गंगा दास दे दूं के पैसे? हाँ पैसे तो चाहेंगे ठाकुर साहब, पर तुम कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे दिखो। अरे गड़बड़ कुछ ना है, 26 के हिसाब से 5,000 ही बैठे। और ठाकुर साहब भाव तो 30 रुपए का था। अरे घटा दिया था हमने। हमें तो ना बताया दूध काट के। अरे हमें बताने की जरूरत ना पड़ती, सारे गांव के दूध का भाव यहीं से तय हो। अरे तुम सोच रहे थे कि भाव घटने का ढंडोरा पीटेगा? बता बेईमान कच्चे हो रहे, मेरे साथ में बेईमान ना कर लिया, बेईमानी की भी हद हो। हद हो हाँ जी इस बात की भी। अरे के बात है गंगा दास? अजी बात के हुई, बेईमान कच्चे हो रहे सारे, तड़की तड़े के 1,000 रुपए का जूत मार दिया मेरे, और नू कह रहे अब दूध के हिसाब में क्या हासिल लगे, बताओ दूध काट के। हाँ तेरे से ना भाई इनका कुछ बिगड़े तो अपने घर जा भाई। अजी हम तो घर ही बच्चे, हम कौन सा हाई कोर्ट में जा रहे, पर वो ऊपर ले वाला सब देखे। ठाकुर साहब तुम भी नहीं समझाते इन बेईमानों को, अब हिसाब तो ठीक कर दिया करो दूध काट के। इन्होंने तो मरे नाक में दम करे, क्या के कहे इनसे भैया हम। और नू और कहे और गंगा दास दूध में पानी मिलाओ है और दूध काट के बताओ। रो मत सरदा, रोने से पेट की आग नहीं बुझती है। चल ठाकुर फतेह सिंह के यहाँ चलते हैं कि भट्टी या घर में कोई काम मिल जाए। तेरा रोना मुझे देखा नहीं जाता, तेरी भूख नहीं देखी जाती है। चल माँ अंधेरा बहुत हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अंधेरा तो हमारी जिंदगी में हो गई बेटा, मुझे तेरी भूख नहीं देखी जाती है। चल चल ठीक है। अरे कौन है भाई, अंदर आ जा। बीबी राम राम। राम राम। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। ए हरदास की बहू जवान छोरी को लेकर कहाँ घूम रही है तू रात में? बीबी तेरे पास काम को आए। के काम कर सके है तू? कुछ भी कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर लूंगी, भट्टी का काम भी कर लूंगी। इसका आदमी मर गया, परेशान है बिचारी, दे दो काम। एक काम करियो, दोनों के 3,000 रुपए दूंगा और दोनों को काम करना पड़ेगा भट्टी पे, और काम ही और के है यहाँ। ठीक है ठाकुर साहब, श्रद्धा के बापू के कल तेरमी है, कुछ पैसा दे दो। एक काम कर ठकुराइन, 100 रुपए से दे ही दे। ले बीबी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दो। चल ला रही हूँ, वहाँ बैठ जाओ दोनों जाकर। ठीक है। हेलो
हरिंदर 100 रुपए दिए भैया। क्या करेगी 100 रुपए का? तेरी बहू ने सूट सिलवाया, उसकी सिलाई के देने। हाँ 3000 रुपए चाहिए मुझे। 3000 रुपए चाहा तुझे? हाँ जरूरत है, मुझे चाहिए। तुम्हें तो सैरो को पैसे चाहा, ले न दियो। हेरो हेरो लेने की सोच रहा था। अरे हरिंदर बूझिए कद को आवेगा, पढ़न न दे उसे। के कह रही है माँ? क्या कह रही है? यू ही पूछ रही है तू कद आवेगा। हाँ तो फोन दे उसे। ले तेरे से बात करे। अरे बोलता कैसा ना। हाँ माँ राम राम। अरे कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी, फार्म वारम भरा है या ना? हाँ भरू, कल ही तो रिजल्ट आया है। हो गया पास? हाँ हो गया। पास हो गया? अरे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मांग रहा था पैसे, चल भिजवा दूंगी। अब कोट बनवा दिए मेरा। कोट? भाई पूछूंगी तेरे बापू से, कह देंगे तो बनवा दूंगी। हाँ हर बात में पिताजी को लाए कर बीच में, तू बनवा दिए। ठीक है बनवा दूंगी। हाँ ठीक है तू बनवा दिए। अच्छा राम राम। ले विश्वास पास हो गया तो फिर तो कुछ खट्टा मीठा बांटो। आन देश के बापू को बांटूंगी जरूर। खा ले बेटा। राम राम जी। राम राम जी। आ गए तुम? हाँ जी। श्रद्धा तू झाड़ू माले और सत्तो तू भट्टी झोंक लिए। ठीक है। बीरे ध्यान रखिए कभी हल्का ही पाउडर डाल ले। मुझे ठोक कर डाल दूंगा। ए तू झाड़ो लगा दे यहाँ को और चल तू इसमें लकड़ी लगा दे। तू जा मैं आ जाऊंगी। अरे कहाँ भेज रही है इसे, दूध रह रहा। माँ तू चली जा मैं आ जाऊंगी, तू रोटी बना लिए फिर अंधेरा हो जाएगा। चल ठीक है आ जाइए। नंबरदार जी श्रद्धा आ जाएगी, उसे मोड़ तक छुड़वा देना। क्यों क्या बात होगी? जवान छोरी है, मोड़ पे आवारा लड़के खड़े रहते हैं, छेड़ ना दे। मारे रहते श्रद्धा को छेड़ देगा कोई, उसके टुकड़े ना कर देंगे। इसे कह दे बेफिक्र होकर जाया करे। अच्छा ठीक है। और चल रहा है काम, लगे पड़े उसको क्या हो रहा? चल रहे हैं लाइन में, कहीं ना कहीं तो बाहर आओगी है कि नहीं? अरे भीरे पूरे कोई है? ले आ गया भीरे, तू ही पूछ ले इससे। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े? इस तो बढ़िया जगह है कहीं गांव में खड़ा होने की, इस मोड़ पर तो गांव का भविष्य खड़ा। अरे भीरे तू बच्ची वाला सौदा इसे भी बता दे, बैरन की आग भी दीने जैसी जड़े। अच्छा रे फिर तो मारे लायक सौदा हो। लायक मैं न्यू करूं, हाइट भी 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है।
अरे मैनु कहूं लठ गडरा लठ। अरे मैनु करो कहा जाओगी कसुती टीजे कसुती। यस ये नंबर तो दे दे उसका। हट परे दू अभी नंबर। कोई बात नहीं काम तो होना है एक दिन। ले सरदा पहले तू ले प्रसाद। अरे काकी लिया मेरी डबकू भी करे ना। हाँ ले तू भी ले। ले एक और भैया ये तुलपा पीने वाले भी मीठा बहुत खाम है। मेरा काका तो ना खाता। तू तनु ही गाता रहे। अरे तू भी मेरे काका के पीछे ही पीड़ी है। तू भी ले प्रसाद। हाँ लाओ सत्ता तू भी ले भाई। भगवान करे विश्वास की अच्छे से नौकरी लग जाए। इस मारी तो भेज रखा दिल्ली पढ़ने। यू तेरी सरदा भी कुछ कर रहे हैं। फार्म तो भरवा रखे हैं। देखो पेपर में क्या होगा। चल ठीक है। बीबी एक काम और था। बोल के काम है। दाढ़ में दर्द है 50 रुपए दे दो। मेरे पता है ना हरिंदर से ले जाइए। सरदा को बोल दूंगी वो ले लेगी। चोट तो ना लगी है सरदा? उठ जा बेटी चोट तो ना लगी है तेरा? है ना चोट ना लगी बस बाल्टी में लगी। अरे तू दिल्ली में भी नुई घाटी चलावे? मने के जानबूझ के मारी है न्यू आ रही ते लगी। तू तो दिवाली पाने वाला हा तू पहले कैसा आ गया? अरे तन्ने कह ही नहीं फार्म भरने है तो प्रमाण पत्र बनने है मेरे। अरे उनके बिगर फार्म ना भरा जाके ना उनके बिना ना भरा जा। भाई वो सरकार भी नाचना चाह रही है हमें तो। और तू घर की सरकार जान रही है के? चल कुछ बना दे भूख लग रही है मुझे। भाभी तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है भैया। मैं आपको कुछ किताबें लिख के दूंगी ले आओगे आप? हाँ हाँ मैं ले आऊंगा। ठीक है तू। विश्वास आलिया के? आलिया तो भेजिए जरा इधर को। भेज रही हूँ अभी। अरे हरिंदर बुला रहा तुझे सुन ले उसकी क्या कह रहा हूँ। जा हाँ जा रहा हूँ चाय पी के। हाँ की बात थी? अरे बात क्या होती दूध का हिसाब लिख दे। भैया मैं ना लिख रहा अपने आप लिख। अरे मुझे सतपाल का जाना उसका कल को बरात आएगी उससे पूछ का हूँ कितना मावा चाहो उसे। अरे तो पिताजी लिख लेंगे वे कहाँ हैं? पिताजी दूध लेने गए। हाँ तो आके लिख लेंगे ऐसा क्या हो गया? दिमाग खराब मत करे लिख ले फिर भूल जाएंगे। भैया मुझे ना पता थारे दूध दाद का हिसाब फिर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे पीछे भगियो लठ लेके। मेरी माँ ने 50 रुपए मंगाए थे उनकी दाढ़ में दर्द है। दर्द तो मैं क्या करूँ? पैसे दे देते तो दवाई आ जाती। हम तो थारे दर्द ने मार लिए मेरे पे ना खुले कल ले लिए। दवाई लाओगे नमकीन समकीन खाओगी? देख भीरे मैं तेरी नमकीन की भूखी नहीं हूँ। और काहे की भूखी है? देख भीरे तेरे से नहीं मांगे मेरी माँ के दर्द का मजाक मत उड़ा। हाँ हाँ मैं देख देगा। अरे मैं खूब जानू तू बहाने लेकर पैसे मंगावे। ओए भीरे जितना है उतना रह ले मारूंगा कान पे ले। नहीं आप रहने दो हम उनसे ही ले लेंगे। राम राम जी। अरे चांद हाँ। अगर ये मेरा काम हो जाए ना हम तो यही गंगा जी ना लेंगे रकावट भी लावेंगे रकावट के भंडारे कर देंगे। अरे माँ। हाँ यह छोरी कौन है जो भट्टी पे काम करे? यू बिहारन की है। बिहारन की? हाँ बिहारन कौन? जिसे हरदास भगा के लाया था बिहार से। यू उसकी गैल पीछे से आई थी छोरी। हरदास के एक रहे? अरे भैया हरदास तो मर गया। यू एक दिन रात को मेरे धोरा आ गई इन बालकों को लेकर और भूखे प्यासे थे बेचारे। अभी उन्हें कह लगी उन्हें कह मैं कहाँ जाऊँ लंबरदार ने इन बालकों को लेकर मुझे अपने यहाँ कुछ काम दे दो तुम्हारे यहीं पड़ी रहूंगी अपना थारा काम करती रहूंगी अपने मैं यहाँ टुकड़ा भी खा लूंगी। अब भैया मुझे तरस आ गया इस पे तेरा बाप तो ना ही कर रहा था
मैनू कह लगी अरे पड़ी रहन दे बिचारी गरीब है इसका टाइम कट जाएगा अपने। वह दवाई के पैसे मांग रही थी। अरे तो दे देता हरिंदर नाता के भट्टी पे। उसने ना दिए और मैं दे रहा था तो उसने लिए ना। अरे भैया उसकी डाड़ में दर्द हो रहा है, वो परसों मेरे से भी मांग रही थी, उसे दिया पैसे है, वो बेचारी परेशान हो रही है। मुझे उसका घर तो ना पता। चाची राम राम। राम राम भैया। देखिए कपिल आ गया, इसे पता उसके घर। किसके घर की? हरदास के घर की। हाँ? अरे मेरी गली में था उसका घर। चल ले जा। चल ठीक है मैं दे आऊंगा। अरे चांद यही वाला घर है उसका, और मैंने देखी जाती हुई इस मैया यही कोई लिखेगी, आज दर्शन कर गई चलेंगे। अरे यूही घर है, तू चले जा। यूही कामी वाला। अबे यार तू किस चक्कर में घूम रहा है यहाँ? अरे चक्कर वक्कर कुछ ना, विश्वास दवाई के पैसे देने आया। दवाई? दवा किसे दे रहा भाई? दवाई तो मैं भी चाह भाई। अरे तुझे काहे की दवाई चाहिए भाई? जीने की भी दवाई चाहिए, मरने की भी चाहिए। मुझे लगा आज कोई फसाना दिखे। अरे तू ही फसवा दे, कागज तो भी रेपे भी जा रहे। भाई गांव की हो या बाहर की हो, हम सब संभाल लेंगे। अरे जाओ मर जाओ, बकवाद करते रहे मैं। तू ये धार लेना यार। माँ कोई है गेट पे? कौन है? मैं हूँ विश्वास। जा सरदा गेट खोलिया। अरे आप आ जाओ। गेट खोलने में बड़ी पूछताछ हो रही है? जवान छोरी है घर में, इसलिए गेट बंद रखनी पड़े। अच्छा ये ले 50 रुपए, माँ ने भिजवाए हैं। अरे यू के धुम्मा धाड़ कर रहा, क्या टीबी हो जाएगी थारे? विश्वास श्रद्धा की बापू को भी टीबी था, डॉक्टर ने बताया था। अच्छा हाँ तो इसे ठीक करो। बाबूजी बैठो चाय बना देती हूँ। ना ना बस मैं चल रहा हूँ। पानी तो पी जाते? ले आ। अरे भीरे अब तो मिटवा दे हमारे प्यासी घने दुखोलियम। तो के मर गए क्या तुम? भाई 2 दिन से कोई जानकारी नहीं मिली, और यू चांदू करा के अब लेट लग रहा इस मामले को। अरे के जानकारी तू? हेलो भीरे यू चांद वेट पूछ रहा, बता दे इसे। अरे के करो तुम वेट का? ले ले कर बात। अरे तू वेट बता दे। अरे कुश्ती करनी है के? बीरे तुम्हारा प्लान नहीं समझ रहा। मुझे दे। अरे बीरे जो हमारा प्रेम करने का विचार है ना, वो अपने बेट से ही है, तू बात को समझ नहीं रहा है। अरे गुट्टक थारे जैसे मजनू मैं देखे ना, तुम के दिल्ली पुलिस का फिजिकल दे रहे। महाराजा उद्देश्य है नेचुरल और हेल्दी प्यार से है बीरे, तू समझ नहीं रहा है। चल ठीक है तुम जैसा करोगे कर लियो, पर राशन कार्ड दे दियो, मुझे चिमनी लानी है। ओ कि किशन चाचा ले किशन चाचा। अरे रुक जा सेटिंग की बात हो रही है। बिना तुम सुबह सुबह यहाँ खड़े हो जाओ, चलो यहाँ से। चाचा कुछ बात सी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं तुम? चाचा हम कुछ यार संबंधी मैटर की बात कर रहे हैं। चलो भागो अपने घर। चल रहे चांद। क्यों? क्योंकि चाचा ने इस मोड पे आचार संहिता लगा दी। चल तो फिर भीरे को कार्ड भी देने। हाँ मुझे ऐसा लगा भीरे हमें आधार कार्ड से जोड़ना चाह रहा। फिर तो हम सरकारी से ही हो जाएंगे। चल देखिए ये फोन। के देखूं इसका? ठीक है फोन के और आ इसमें। हाँ ऐसा फोन लेके कॉलेज में कौन जावे? अरे तू कॉलेज में पढ़ने जावे या फोन चलाने जा? तो अब फोन तो अच्छा होना चाहिए ना वहाँ। देख मेरी बस की तो है ना तुझे फोन ऑन दिवा, तू बहुत मेरे पैसे ले गए मेरे से ठगे नुई झूठ सच बोल के। अब अपने बाप से ले चाहे अपने भैया से ले। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहाँ है वो हरिंदर? वही होगा भट्टी पे। तू तो दे ना पैसे।
ए तू क्यों खड़ी है यहाँ? प्यास लगी है, पानी पिला दो। भीरे डिब्बा ठाके से पानी पिला दे। अजी हाँ फसकू, पानी तुम्हें पिला दो। ला भाई पैसे दे, मैं जा रहा हूँ। पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, पहले से पानी पिला दे। पानी अपने आप ना पी सकती? और जो तू पिया देगा तेरे कौन से हाथ टूट जाएंगे? इसके हाथों में क्या हो रहा है? ज्यादा भाषण मत दे, हमें पता तू दिल्ली पड़ा है। ले पीले पीले पी लूं? हाँ। इस गिलास को उठा के मैं भट्टी में फेंक दूंगा। क्यों फेंक दिया यू? अरे यू हमारे गिलास में पानी पीवेगी के आने जाने वाले सब देखे हैं। हाँ तो देखे हैं, तो क्या हो गया? इन सब का टीवी है। टीवी तो नथू का भी है, इसे भी फेंक दे। चला जाए यहाँ से, पिटेगा के। देखो आप लोग लड़ो मत, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, नथू तू बच के रहिए। नथू तो बच रहा, तू बच के रहिए। क्या बात हो गई सरदार, कैसे रो रही है? माँ मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो पीने के लिए पानी मांगा था, विश्वास ने मुझे गिलास में पानी दे दिया। और तूने पी लिया? हाँ। तुझे पीना नहीं था पानी, अब दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है माँ। अरे तू ही खा ले सुक्के को। अरे हरिंदर हो गया मामा तैयार। रोक लियो तुम उसे। किसे? उसे जिसे तुमने दिल्ली पढ़ने भेज रखा पढ़ाकू। के बात हो भी गई? मारे से न देखे जाते उसके ड्रामे, न तू तू ही बता। कुछ हुआ भी? अरे हुत्ता के वह पानी मंगती पीने के नाम का, इसने विश्वास को कह दिया, उसने गिलास ठाके से पानी दे दिया, उसने मुंह लगा के पानी पी लिया, इसने ठाके को गिलास भट्टी में फेंक दिया, यू ही। अरे गिलास तो मन जाता। अरे गिलास तो मन जाएगा मगर उसका क्या होगा जो राजपूती सान को मान रहा हूँ। और देख कोई नहीं निकाल के बाहर करो, मारे से नहीं देखा जाता। हटा तो देंगे पर इनसे सस्ते आदमी ना मिले। थारा यू ही लालच लेकर डूबेगा तुम्हें एक दिन। अरे तू तो दिल्ली जा रहा था, क्या रहा? अरे दो दिन पीछे दिवाली है, फिर मैं दिवाली के बाद ही जाऊंगा। और जो वहीं पढ़ लेता है यार दोस्तों के साथ हांडेगा? मेरे तो माँ ने कही है। पड़ोस में लगन ली जा रही है, वहाँ माँ बाप गए। मैं जा रहा हूँ गाँव में, दो तीन घंटे बाद लौटूंगा। और यहाँ रही कभी यार दोस्तों की गैल हंड है। अरे ज्यादा सुल्फा मत पिया करे, या खांसी ठीक ना होने की। अरे खांसी तो नहीं, और की है मेरे दौरे। अब बता भीरे के कागज चाहिए तुझे? फोटो चाहते हो? फोटो भी है हमारे दौरे। अरे तब मुझे कार्ड दे दो बस। ये ले कार्ड। और एक बात और, कुछ खर्चा पानी चाहिए तो ले लिए, पर मारे इस काम को सेट ही कर दिए। भीरे दिवाली पर तो हर काम में छूट मिला है। ठीक कह रहा चांद, इसका फायदा हमें भी तो मिलना चाहिए ना। अरे तुम आस्की में भी छूट चाह रहे क्या? तू चिंता न कर गुट्टक, अब भीरे ने कागज जमा कर लिए, अब किसी भी टाइम कॉल आ सके। भीरे इसे भट्टी वाला सौदा तो दिखा दे चांद को। अरे मैं आप दिखा दूंगा, ये काम मेरा है, तुम मौज लो। हाँ तो ठीक है, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे टॉप पे। भीरे अब का दिवाली पर बढ़वा दे मारे भी दिवे से। हाँ मौज लो। श्रद्धा सरदा, तुझे पता ना है बड़ा चक्कर मारे। ए सरदा, सरदा चल गया तेरा दिमाग सरदा? अरे के हो गया, के बात होगी? होता के देख लो, लग रहा सेवा करण। अरे कुछ हुआ भी? अरे इसमें जूत मार दो काल के, अब भी पूछ रहे हो कुछ हुआ भी? सरदा सरदा ये हो गया छोरी। सरदार ये उठा जाओ ऊपर को। सरदार सत्तो ले जाए इसे, पड़िए यहाँ खप्पर भर के। नीच मेरी आंखों के आगे से चला जा, नहीं यहीं काट कर दा दूंगा, मैंने बहुत देखे तेरे जैसे मजनू। मजनू दिख रहा हूँ मैं तुझे, जबान संभाल के बात कर। काटू क्या तुझे मैं भी भावड़े से? ले काट यू खड़ा मजनू तेरे आगे, तुम भी काट लो। अरे थम जा, इस घर का नाश करेगा के। ओ लाला
तेरे द्वारा काम करे तो जिम्मेदारी भी ले इनकी। जितने तू पैसे महीने में देवे ना, इतने चार दिन में आदमी भट्टे पे कमा ले। किसी दिन कोई सी मरगी ना, तेरी लालागिरी निकट जाएगी। अब चुप्पी हो जा। मैं तो चुप्पी हूँ, अब दवा दुआ दे इसे। खुले होंगे आज तो तेरे पे पैसे। अरे हरिंदर, डॉक्टर को फोन कर ले। मेरे बस की ना, यू ही कर लेगा, बन तो रहा ठेकेदार। अरे डॉक्टर को भी मुझे ही करना पड़ेगा फोन। आज पूछ ले भीरे से, मौका लग जा तो यार, ठंड सी भी हो रही। ले कर फोन और बता दिए, आज लग जाएगी तेरी दावत भी। ठीक है। हेलो हेलो भीरे। हाँ गुट्टक बोल। राम राम। अरे ठीक तो है तू गुट्टक? मेरी भी राम राम कह दिए। और पूछ अपने वाले सौदे के बारे में। अरे बात मैं सुनवा, मैं भट्टी पे जा रहा हूँ, सरदा का चोट लग गई, उसे डॉक्टर के लेके जाना है। चोट लग गई? चोट लगी उसके तो? अरे बड़द ने टक्कर मार दी है। अरे भले आदमी, मार से भी तो बता देता, हम भी चलेंगे थारी गाल डॉक्टर के। अरे तुम वहाँ क्या करोगे? अरे पेट भारी सर है हमारा भी। अरे इस बहाने हम भी दिखा लेंगे और उसके दर्शन भी हो जाएंगे। पेट भारी? अरे बालक है पेट में तेरे। अरे धीरे, एक सेवा का मौका हमें भी देता, कहीं डॉक्टर खून वून मांगे लगे तो हम दे तो देंगे। ऐसे मौके प्यार में बार बार थोड़े ना आवे। एक दो बूंद तो मैं भी दे दूंगा। चुप, एक दो बूंद से काम चल रहा, बोतल की बोतल भर देंगे हम, खून नम खून हो जाएंगे हम। अरे मुझे लग रहा खून की तो तुम्हें जरूरत है। अरे भीरे, तू मार पे इतना अन्याय ना करे, उसके बगैर देख कर हमें चैन नहीं पड़ने का। और उसे देख कर मारे भी सबर सा आ जाएगा। अच्छा तो राम राम भीरे जी, हम आ रहे। अरे डॉक्टर का सरदा को दिखाऊंगा, तुम दिखाऊंगे। तू इस टाइम लो यहाँ? हाँ काम ही अभी खत्म हुआ। रोज किस टाइम जाया करो? जब काम खत्म हो जा, कभी कभी 10 भी बज जा। कुछ दिक्कत ना होती? दिक्कत तो बहुत होती है, कभी कभी तो कुत्ते भी चुपट जा। अच्छा चल मैं छोड़ खाऊंगा। नहीं मैं चली जाऊंगी। कुत्ते पीछे पड़ जा, गांव का माहौल ठीक नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चल मैं छोड़ खाऊंगा। या तो अंधेरे की रोज की परेशानी होगी थारी, एक टॉर्च क्यों ना लेते हो तुम? इतने पैसे नहीं है ना कि टॉर्च ले सके। हरिंदर भाई राम राम। राम राम जी। राम राम भाई राम राम। भीरे इन्हें वो सामान से दिखा दिए। ठीक है। चांद बन गया दिखे काम। सब ऊपर वाले की माया है। अरे इसलिए तो हम नाम सुनते ही भाग्य चले आए। ये तो नूबी कह रहे, अब उस काम को भी करते जाइयो। और चांद तू तो देखते यहाँ तो पानी चले ही है। क्यों? अरे बहुत फर्क पड़े इन बातों का, आगे चल के बहुत काम आऊंगा यू। ठीक है फिर, तू यही तो कह रहा, वहाँ जाकर तो तेरे भी पसीने आ जाएंगे। पसीना आ जाएगा? पसीना तो हम उसके भी कटवा देंगे, तू चिंता मत करे। अरे के खुसर खुसर कर रहे, आकर सामान देख लो। चल भाई आ जा। कहाँ भैया सामान? ये रखा सामान, पूरे गांव में बटवाना आया यू। यू सामान? अरे भुंडी शकल के उस सामान को बता जिसकी बात कर रहे हैं हम तो उसी सामान के बारे में सोच रहे थे। यू ही सामान है बस। ओ भीरे देख, मारी तो है आस्की की टाड़, और चांद तेरा जी करता हूँ तो कर लिए, यू तो बहुत बुंदा काम है मेरा ससुरा। भाई आस्की तो कर लेते, पर यो बोझा ढोंड में मारी कैसी निकल जाएगी। और यो हरिंदर सा फेर नू कहेगा, मारा ईख खुदवा दो, मारा खाद कढ़वा दो। भाई मारे नसीब में प्यार ना है। भैया ना तेरे बस की ना मेरे बस की, अपने घर को चल रहे हैं। चल तेरा ससुरा कहाँ कागज जमा करवा दिया तन्ने, यहाँ तो फीस भी मर गई। रूबी। हाँ जी। तने मेरा चार्जर देखा कहीं? नहीं मुझे तो नहीं पता। पता ना कौन भट्टी पैसे लिया है, मिलना रहा। सुबह विश्वास भैया भी अगले 100 थे चार्जर। तू एक काम कर, विश्वास का बैग लेगा, उसमें ही होगा। उसने ऐसे दिमाग खराब करके रख रखा। आप विश्वास भैया से इतना जलते क्यों? ज्यादा चू चपाल मत करा, चुपचाप रोटी बना ली, टाइम आ गया। विश्वास भैया से जलते क्यों हो?
बैटरी इसका क्या करा है यू? अच्छा अरे ये क्यों पन्नी जला रही है तू सडान ठा रही है यहाँ? अरे भैया कूड़ा हो रहा ये सारे में उड़ी फिर रही है तो प्रदूषण हो इनते क्या आवे इनमें? इनमें पाउडर आवे मिलावे है ना यू मावे में। ओहो तो यू हरिंदर लाला यू काम भी करने लग गया? यू काम ना करूँ तो 2 रुपए भी ना बचे। हाँ तो क्यों करे ऐसे सुधा जहर दे देना लोगो को। अरे तुम अपनी राम कथा बंद करो तेरा काम खत्म हो गया तो वे दिवाली की मिठाई धरी है उन्हें बांटिए जाके। अरे कहाँ से भेजू मुझे कोई आदमी तो मिलना रहा। अरे विश्वास हैगा और उनका बीरा हैगा डेरी पे। अरे मेरे बस की ना जहर बांटना काम में। अच्छा तुझे भी जहर लग रहा 50,000 रुपए का सामान ला के रख रखा घर में। अरे यू ही देना जरूरी था के कोई काम की चीज दे दे बैटरी दे दे। अच्छा वो बैटरी तेने नुई ला रखी दिखे। हाँ और के सत्तो को देता होगा जरूरत ही उन्हें। तेने क्या उनका ठेका ले रखा आके? अरे ठेका तन्ने ले रखा काम मुझे करना पड़ रहा तू तो जहर बांटने में इतना बिजी है काम में। अरे ऐसा कर तू मेरा दिमाग खराब मत करे। हाँ किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो इसका दिमाग खराब हो जाए। अरे भैया तुम क्यों लड़ रहे हो त्योहार के दिन? भैया विश्वास तू ईमान जा तुझे जो बाट खाना बाटिया और एक मिठाई का डिब्बा ले जा दिए ये जिसे तुझे दे खाना जा। अरे उन्हें मिठाई की नहीं मीठा बोलने की जरूरत है। हाँ तू ये बहुत मीठा बोलने वाला जा तू ही चला जा। अरे हरिंदर गया क्या यू? तुम्हें लगा कहीं जान का आयो? क्योंकि बात हुई लो जी चाय। अरे तुझे पता आगे कहाँ गया आयू? तुम भी तो यही है तुमने क्यों ना बूझी कहाँ जा रहा आयो? अरे बूझने पे बतावे क्या यू? अरे यू कहीं ना जाने का दिवाली तक यही रहेगा और महारा खून पीवेगा। यू गेट क्यों बंद रहे हर टाइम? मैं घर पे अकेली हूँ और माँ बुआ के घर गई है इसलिए। अच्छा ये ले सामान कहाँ रखूँ? ये रहने दो आप बैठ जाओ। ये ले बैठ गया बताब। हम दीपावली के बाद काम छोड़ देंगे। काम छोड़ देंगे इतना डर डर के मत जियो जीवन है खुल के जियो इसे। के हो रहा है इसमें हाथ में बढ़ रही है तू? आज भट्टी पे काम करते हुए कांटा लग गया था। दिखा मुझे। नहीं आप रहने दो। दिखा ये सामान रखा है दिवाली का और ये बैटरी है जी। माँ क्या हुआ? कुछ मत पूछ मेरे सर में दर्द हो रहा है। माँ मुझे पता है तेरा दर्द तू दुखी मत हो। देख सरदा मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती ये गलती करके मैं भी आई थी इसमें कुछ नहीं रखा। माँ मैंने कोई गलती नहीं की है। सरदा दोनों समाजों में बहुत फर्क है हमें डर लगते हैं हम दोनों का पता भी नहीं चलेगा। माँ तू डर मत। सरदा डरने में हमारी भलाई है। डरने की जरूरत नहीं है माँ सच हमारे साथ है। बीबी राम राम। राम राम सत्तो कल कैसे ना आई तू मेरे डांगर भूख के मर गए ना मेरे घर में झाड़ू लगी और भट्टी भी मेरी ऐसी पड़ी रही। हम तो काम छोड़ने को आए। क्यों काम की छोड़ रही है? मुझे डॉक्टर ने काम करने को मना कर रखी है। आज देख जरा सा पोछा मारा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा। काम मत छोड़िए बिल्कुल भी। हमारी वजह से दोनों भैया में रोज लड़ाई हुए हमें तो डर लगता है। तू उनकी चिंता मत कर विश्वास को दिल्ली भेज रही हूँ और हरिंदर को मैं समझा लूंगी वो ना लड़े कतई भी। ठीक है तो मैं कर लूंगी। देख सत्तो तेरी मजबूरी में हम काम आए ना आए तेरे काम मत छोड़ दे। देख मैं परेशान हूँ काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं यहीं रह। और ऐसा कर भट्टी पे तू कर लेकर और सरदा को मेरे धोरे भेज दो ऊपर थोड़ा सा मेरा हाथ बटा देगी काम में। ठीक है मैं भेज दूंगी। ठीक है चल।
आपका फोन बज रहा है। हाँ तो उठा ले। हरेंद्र ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लेने दे, के हो जाएगा। अरे वो पूछेंगे तो मैं के जवाब दूंगी? अरे जवाब देना सीखो, मुंह में जवान ना आ क्या? हेलो। हाँ हेलो, हरेंद्र कहाँ? जी पता नहीं। तुम कौन बोल रही हो? जी मेरा नाम पूछ रहे हैं। हाँ तो बता दे, नाम भी मैं ही बताऊँ? तुझे अपना नाम ना पता के? पता है ना। फिर बता। जी मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, के काम था? हरिंदर से काम था, वो कहाँ है? जी मैंने तो ना पता, पर मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है, जब वो घर वापस आ जाए तो बता दियो। ठीक है। श्रद्धा तने स्कूल जाना है कल? क्यों? कल बोर्ड के एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे। सर ने बोला है 5-5 फोटो, फीस की रसीद और फोन नंबर लेके जाना है। फोन तो नहीं है यार। तो किसी का लेके दे दे यार। तूने किसका दिया? पता नहीं, पापा ने किसी बुक स्टोर वाले का दिया है। मां मैं किसका दूँ? तू हरेंद्र का नंबर लेके दे दे। ठीक है, कल जब मैं जाऊंगी तो नंबर लेके आऊंगी। तू की लेने आई है सुबह सुबह यहाँ? मेरी माँ ने कहा कि अपना नंबर दे दो। क्या करोगे तुम नंबर लेके? मारे बोर्ड के एग्जाम है, उनमें फॉर्म के लिए चाहिए। क्या करेगी पढ़ के? बनेगी मास्टरनी। अरे नंबर मांग रही है, नंबर दे दे, कर रहा बेमतलब की बात। अच्छा मैं बेमतलब की बात कर रहा हूँ? तू ही कर रहा है मतलब की? अरे कल को फोन मांगेगी, दे देगा तू? हाँ तो फोन दे दिए, तेरे द्वारा काम करा है के जोर पड़ जाएगा। ओ दाता, तू ही दे दिए मारे बस की ना। हाँ तो मैं दे दूंगा। दे दे फिर। श्रद्धा ये ले पकड़ फोन। पकड़। ऐसे नहीं ले सकती। तो कैसे ले होगी? पैसे दे दिए इसके 1500 रुपए। नहीं तनखा में से कटवा देंगे। हाँ तनखा में तो कटवा दिया, इसे दे दिए और ले लिए इस पे थे पैसे। तू बारू वाला काम करवावेगा, वो भी घना नेता बनने था। लगी ना हरिजन एक्ट, वो तेरी गैल होगा। अरे ये तो लट के आगे काम कर रहे हैं जिन्हें तू सर पे रख रहा। मतलब काम भी करवाओगा और लठ भी मारेगा, क्या पैसे देवे तू इन्हें? 3000 रुपए महीना दू मैं इन्हें। 3000? 3000 का जिन्हें सुल्फा प्या दे उनके मार के देखना लठ। यहाँ खड़ी तमाशा देख रही है, चल भट्टी पे कुछ काम कर। राम राम। राम राम। अरे वे बन गए तेरे कागज? ना मेरा तो ना बना, तुझे बनवाना। हाँ मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाना, देवराज मिला लूं, कह रहा 2 दिन में बनवा दूंगा। अरे देवराज की छोड़, यू 2 मिनट में बनावे। और इसके वाला सरकार में भी फेल नहीं, बस में भी फेल नहीं, हर जगह चले इसका। घना ना बोले। सरदा, ए सरदा, गीतों में चलेंगे सांझ को? ठीक है, तैयार रहिए। रे तू हो ये ना रे खुश घना मन छोड़ के, बड़ा बनी ये ना राजा मेरा दिल तोड़ के। दिल तोड़ के, दिल तोड़ के, बड़ी ये ना राजा मेरा दिल तोड़ के। जी के पाछे मन छोड़ गया, यू का प्यार धोखे आला। तेरा लिखड़ा दीवाला,
अरे हरिंदर सुन रहा के? हाँ बोलो। अरे के कर रहा? अपनी ऐसी मरवा रहा हूँ, देख ना रहा। घना सुल्पा चढ़ गया दिखे। सुल्पा तो मैं सब चढ़ रहा। तू न्यारा खून पी ले। खून तो थारा वो पड़ाकू पीवेगा। अरे इब के कर दिया उसने? तू तो हर वक्त उसके जुम्मे हुआ रहा है। देखा ना तो उस दिन लग रहा था उसके पैर भिचण, और आज का भी पता लग जाएगा। बारू वाला काम होगा उसकी गैल, जेल में पाँव पिटेगा। अरे कहाँ है वो? पता ना, जालिया दिख है। जालिया? अरे क्या ढूंढने लग रहा था वो? ले गया वो कागज सा? अरे उसे कागज की जरूरत ना, अब तो तुम गवाह ढूंढ लो। अरे फोन मिला उसे? कहाँ से मिलाऊं फोन? वो तो दे गया फोन श्रद्धा को। ए श्रद्धा सुन रही क्या? उरेया जी। विश्वास तुझे फोन दे गया क्या कोई? फोन तो जी हमने 1500 रुपए में खरीदा, और पैसे हम काम में से कटवा देंगे, और ये बात तो इनके सामने की है। अरे क्या कह रही है? मेरे सामने क्या क्या हुआ सारी बताऊं तुम्हें? सुन लोगे तुम? है हिम्मत इतनी सुनने की? ए सरदा तू अपना काम कर जाके, इनका तो रोज का काम है दोनों भैया इनके लड़ने का, मेरा जन्म दुखी कर रखा है इन्होंने। ओ चांद भी रहा है रे स्वामी, देख के नाश हो रहा दिखा के अपने बप की ढाले कैकुई दबारा। अबे स्वामी मार लाइट दिख गई आवगी तो यही कोई, पर जब आवगी ना मुझे संभाल लिए। अरे मैं तुझे के संभालूंगा, तू ही मुझे संभालता फिरेगा। अरे के बात होगी, कैसे खड़े भाई? भाई हमें श्रद्धा को जरूरी कागजात देने हैं ये, पर हमें कुछ डर सा लग रहा। अरे डर किसा? ला मुझे दे, मैं दे दूंगा। आली 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 ओ आली भाई, ले भाई आली आली आली। श्रद्धा रुक, ये ले। ये के है? खुद ही पढ़ ले। इसे तो मिल गई धार, निकल ले। मैं देखूं तुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर पे दे दूंगी। अरे हट जा ताऊ, हट जा ताऊ, ताऊ ताऊ। अरे मार दिया मार दिया, अरे मार दियो। अक्साई के लिए पचड़ा दी, अच्छा दी दिखता नहीं क्या? अरे क्या बताऊ, अरे हुआ क्या? देखिए इन्हें मेरा गोड्डा फोड़ दिया, देखिए ना उकाड़ दिया। इन्हें फोन सुनते फुर्सत ना है? अरे बोल लिया तो था, बोल लिया तो था। ये फोन तो मुंह काट रही, ऐसा मारूंगा थोबड़े पे दूध काट के। इन्हें फोन सुनने से फुर्सत ना ताऊ? हाँ हो गई फुर्सत, बता के सुनाऊंगा। सुनाता जब तेरे कान तक हटेगा। हट रहा तू, बता। इब्बी शर्मा नहीं रही, एक थप्पड़ मारूंगा पर जय फोन कान तक। कौन है यू थप्पड़ मारने वाला? हमारी गली का ये अमित। तू ला दे फोन मने, मैं पूछूं कौन सा भी हो। हाँ फोन दे इसे। अरे कौन साहब है तू, के नाम है तेरा? के करेगा तू नाम पूछ के? अरे नाम पूछ रहा, नाम बता दे तेरा, आगे की ना बताओ वरना मजनूगिरी सारी काट दूंगा तेरी। ऐसा है चोट हट डोलो जागी। सॉरी कौन है यू, इसका टाइम बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ फतेह का विश्वास दिल्ली ते, शनिवार को आ रहा हूँ गांव में, जब देखूंगा तुझे। ठीक आज ये। अरे फोन तने मिला है? इसने मिला है? फोन भी मन ने मिला रखा और दे भी मन ने रखा इसे। अरे ओ मजनू इस गांव को गांव रहने दे, दिल्ली ना बनावे वरना तुझे भी समझाना पड़ेगा, इसे भी समझाना पड़ेगा। अच्छा इस दुनिया को समझाने का ठेका तन्ने ले रखा है, फोन इसे दे यार, अपना काम कर। ले पकड़ निकल ले यहां से। हेलो हेलो अमका कौन था यू जो फोन कर रहा था दूध काट के? यू फत्ते दूध का छोरा था। क्या कह रहे हो? कह तो बहुत कुछ रहा था। अरे बता ना क्या कह रहा था। तो बताने फायदा, जब जब कुछ करा दो, जो करना है वो करेंगे। अरे नु तो बता के ठीक है, नुगारा फोन भी दे रखा और बात भी करूंगा, और शनिवार का 6 बजे का टाइम तेरा। अरे यू टाइम उसका है अगमारा, नु तो सोचो। ताऊ यू बात इतनी छोटी ना, चल के इसके बापू को बताना पड़ेगा। अरे नहीं पहले उसकी माँ को समझावेंगे और फिर उस छोरी को समझावेंगे, है जब चलेंगे उस फतेह सिंह के दौरे दूध काट के। ठीक है चलो चलो। हरदास की बहू। हाँ जी क्या बात हो गई? बात या थारी छोरी विश्वास के लगेगी समझाले से। अमित तुझे क्या मेरी छोरी ऐसे लग रही है? लगे तो ये फोन क्यों कर रहे हैं फिर उसके थोड़े? यो बात बदासी का निगम,
यु फोन इधर राड की जड़ है। थारे कौन सा मील लग रहा जो तुम्हें फोन चा टूथ काट के। जरूरत है फोन की, स्कूल में नंबर देना था हमें। अरे माँ, विश्वास ने फोन इसलिए किया था, वो कह रहा था कि उसकी सिम निकाल के उसकी माँ को दे दे। अरे यू अमित, उसे पता ना क्या मजनू मजनू कह रहा था। तो थप्पड़ क्यों मारा बिना बात मुझे? तूने मुझे चिट्ठी ना दी थी? वो तो मुझे गुटकने दी थी। बोला सरदा देने जरूरी कागज, मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा है। भैया हम तो वहाँ काम करने जाए, काम करके गुजारा करते हैं। भाई ये ना मानना। अमित छोरी की बात है, इसे बदनाम ना कर, इसे समझा लूंगी। हम बदनाम ना करें इसे, समझा ले इसे। चलो रे, फतेह के घर चलेंगे, वही बात करेंगे दूध काट के। सरदा बोलोग विश्वास के घर गए लड़ाई करने, चल तू जाके गलती मान ले। चल माँ, बिना बात के मैं गलती कैसे मान लूँ? वहाँ जाके उनके पास अपनी इज्जत के चिथड़े उड़वा लूँ और बिना मतलब विश्वास को बदनाम कर दूँ? बेटा उनका शक दूर हो जाएगा, गलती मानने में हमारी भलाई है। हाँ जी सही कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, यही बात। क्या करे भाई। ठाकुर साहब राम राम। राम राम भाई, सब ठीक ठाक तो है? ठीक ना है ठाकुर साहब। क्यों? थार तक शिकायत है। क्या हो गया भाई? मैंनू पूछू, इन सारे गांव की छोरियों को एक तो फोन दुआ दो दूध काट के। क्यों भाई, क्या बात हो गई? और हरदास की छोरी को भी तो दुआ रखा। हमने ना दिला रखा। अरे छोरे दे रखा। अरे उसने तो बेच रखा 1500 रुपए में सरदा को। हमने तो थारे छोरे को भी समझाया और उसकी कुछ आमद भी करी, उल्टा सीधा बोल ले। नू कहे मैं तो नू ही बात करूंगा, थारे दे और रुकता हो तो रोक लो। जब मारी नहीं सुनी ठाकुर साहब, जब आयम थारे धोरे। ठाकुर साहब मुझसे कह रहे शनिवार को मिलूंगा 6 बजे, तैयार रही हो। मैंने समझाया जैसी बाण मारी वैसी तेरी, पर वो मानना नहीं। तो मैं कहां मिल गया वो? वो सरदा कान का फोन लगाओ, साइकिल पर चढ़ी आ रही थी और मेरे यहाँ टक्कर मारी। इसने अमित ने उसका फोन था, उसका बात करी तो नू कहन लगा थारी एक के खालू देख दूंगा दूध काट के। जो बात थी वो हमने तुम्हें बता दी। थारा उलाना शर्मा थे, उसे आ जान दो, पूछो उससे। अरे हम हाथ जोड़ के एक बात कहे, तुम्हें उससे पूछना की है, तुम्हें तो उसे रोकना है दूध काट के। रोक तो हम भी देंगे, पर पहले बताने का फर्ज है हमारा। थारे पाने रुका है तो हमने बता दियो। गंगादास थारी बात ठीक है, पर यह हमदर्दी उस दिन कहाँ चली गई थी जिस दिन वे दोनों माँ बेटी भूखी घूम रही थी और उनपे खाने के लिए पैसे नहीं थे? उस दिन भी खाना हमने दिया था और तेरा मई के लिए भी पैसे हमने दिए थे। अरे ठाकुर तो उल्टा हमें समझा लगा यार। गंगादास कान खोल कर सुन ले, पहले भी 100 बार थारे काम आए हैं, आगे भी थारे काम आएंगे, पर इन ठेकेदारों को समझा ले, बोलना सीख ले। अरे आसान की नुमारे कुछ मान ही नहीं रहे। अगर नहीं रोकोगे तो हम रोक देंगे, पर ऐसा रोकेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखोगे। गंगादास समझा लेने, धमकी न दे, नहीं चुपार में गेर के खाल तार दूंगा। चलो रे चलो, इधर ठाकुर वाली पर आ रहे। फतेह जी होक्का बहुत बढ़िया आ रहा। अरे इसका पानी भी हरक में तार ले। हरदास की बहू। हाँ अब तो हम थारे धरे आने को सोच रहे थे। सरदा सरदा ये आए, इनको सच सच बता दो के बात है, ये तेरे धर्म के ताऊ चाचा भाई सब हैं। मैंने जो बोला वही सच था और वही रहेगा। छोरी झूठ मत बोल। ए छोरी तू धर्म जाके बोल दूध काट के। मैंने अगर फोन सुन भी लिया तो इसमें कोई गुनाह कर दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे सिम के लिए ही विश्वास ने फोन किया था। अरे ये तो सारे सवालों के जवाब जाने दूध काट के। या सारे समाज की नाक कटाओगी नाक। हमने तो इन्हें समझा लिया, पर बात कुछ और हुई ना, तो फिर हम समझाओगे तुम्हें अपने हिसाब से। हिसाब से? अरे हिसाब से हासिल तो मैं लगाते ही नहीं। चलो अभी देखेंगे दूध काट के। आओ। खाना आ गया? हेलो। माँ राम राम। राम राम भैया, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। वह सरदा सिम देगी है के मेरा? मुझे तो ना देगी भैया। वाह वे तो उस पे तो सिम ले लिए, वो दिल्ली वाला सिम है, मुझे चाहिएगा। चल ठीक है, आवेगी तो ले लूंगी। तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। और हाँ सुन, मुझे लैपटॉप चाहिएगा। भाई मारे बस की ना तेरे खर्चे उठाने, कभी लैपटॉप कभी कोट कभी फोन, तन्ने अंत काट ली तेरे खर्चे ने मार लिए हम तो। भैया मारे बस की ना। लो फोन मुझे दे तू। लो। हाँ विश्वास। पिताजी राम राम। राम राम भाई, तू कब आ रहा काम में? क्यों?
अरे काम है तेरे से? हाँ तो काम तो मैं कर दूंगा, बता दो। यहीं पे आ जा, जब बताऊंगा। मुझे पता है तुम क्यों बुला रहे हो, वो अमित आया होगा, उसका तो मैं बक्कल उधेड़ूंगा। अरे बक्कल तो तेरे मैं उधेड़ूंगा। अरे एक बात समझ लिए, अमित के जो तेरे हाथ भी लगा दिया तो। पैसे का आदमी गांव में फरमान चला रहा है, फोन मत करो, ये मत करो, सब तेरते पूछ के फोन करेंगे। आज के बाद सरदा को कुछ कह दिया ना, गाड़ धुआं आई। अरे सब ठीक भी गांव में? आलिया दिखे भाई यू? हाँ वो ही है। देखिए हाँक मारिए इसे। हाँ भी इधर आइए। मुझे ही कह रहे के कुछ आलिया भाई? हाँ जी। अरे के है तेरे जी में, तुम्हें गांव में रहने देगा नहीं रहने देगा? मन्ने ऐसा के कर दिया? के कर दिया? किसी की तू बक्कल उधेड़े, किसी के तू टाइम दे रहे? हाँ तो उसका तो बक्कल उधड़ना ही था, वो मुझे फोन पे मजनू बता रहा। दो महीने इन्हें आए हुए नहीं, छह चक्कर तेरे गाँव में लग गए। गाँव के हर आदमी को तेरी कहानी का पता, तू हमसे पूछ रहा है के बात हो गई? अरे तुझे दिल्ली नुई भेजा देगा, तुम्हारी नुई बदनामी करवाएगा। मैं के बदनामी करवा रहा हूँ थारी? अरे बदनामी करने में के कसर छोड़ रखी तेने, तू हर बार बदनामी करावे, जिब से तू आया तेरे छह बार उलाने आ लिए। कोई बात नहीं है, सरदा को पानी पिया दिया था वो तुमने ड्रामा बना लिया, उसके बैल ने टक्कर मार दी वो अमन ने खाट पे लुटा दी उसका ड्रामा बना रहे हो, उसे बैटरी दे दी तो ड्रामा बनाओ, इन बातों से बदनामी हो रही है थारी। और क्या लेकर भागेगा उसे? अरे तेने शहर में तो ना कर रखा कोई ऐसा सांग। मेरे दौरे थारी इन बातों के जवाब है नहीं। अरे हरिंदर बुलाइए सरदा को। यू ही बुलाएगा जिसने उसे फोन दे रखा? हाँ मैं बुला दूंगा, है कि वो यहाँ? हाँ यही है। सरदा? हाँ जी। यहाँ जरा आई। देख लो कितने मजे से बुला रहा। हाँ तो उसने कुछ पाप कर रखा के? अरे यू ना सुधरे, तू लट्ठा गला, इसे हम बताओगे आज। मैं लटकी के बात है? अरे तेने कुछ छोड़ दिया अभी। आप लोग लड़ो मत, इनकी कोई गलती नहीं है। तू चुप हो जा। अरे कैसे लड़न लगा, तुम बाप बेटा इसके हाथों के साथ है। इसने देख रही क्या कर रहा है? भगवान कसम खा के कह रहे हो, आग लगा दूंगा इस घर में, मट्टी का तेल छिड़क के बता रहे हो बात। तू क्या छिड़केगी? तेल जो इसने छिड़क रखा है इसे सिंह वाले। तो दूसरों का कहने से मारोगे के बालक को? ठाकुर साहब ये लो आपका फोन, और नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हम सुबह ही निकल जाएंगे और गांव वालों को मुंह नहीं दिखाएंगे। सत्तो जा, चली जा। ठाकुर साहब आप आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आपस में मत लड़ो, हम लोग चले जाएंगे। हमारे बस की जो था ना हमने कर लिया, जो इतना सुधरा ना हम इसे बिल्कुल सुधार देंगे। ठाकुर साहब इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। श्रद्धा तू क्यों दुखी हो रही है? तेरी कोई गलती नहीं है, इन्हें मेरे चरित्र पे शक है, मैं देखूंगा इस बात को। यू फोन तेरे काम आओगा, तू इसे उठा, उठा ले। नहीं हम और गलती नहीं कर सकते। अरे यार ये गलती नहीं है, ये जरूरत की चीज है, इसे उठाओ ये तुम्हारे काम आओगी। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना एग्जाम दे, और कहीं भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक बोल, डरने की जरूरत नहीं है। पिताजी यू लठ मांग रहा। अरे तू छोड़, सत्तो फोन उठा और निकल जा यहाँ से, ले जाए से भी। अरे भाई सुन ले, सुधर जा, अरे शहर चला जा, पढ़ ले लिख ले, बहुत बेइज्जती होली खानदान की, बहुत बेइज्जती होली। तुम्हें गलत फहमी है, तुम अपनी गलत फहमी दूर करो, आरोप मत लगाओ किसी पे। यो ना माने भाई, कतई ना माने। माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, मेरी इसमें क्या गलती है? देख बेटा सरदा तू लड़की है, ऊपर से जवान है, वो लोग इस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। माँ विश्वास बहुत साफ मन का है, और मैं भी सच कह रही हूँ कि मेरे मन में भी कोई खोट नहीं है। सरदा दुखी मत हो, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ भगवान का नाम लेने से विश्वास की आदत तो नहीं बदलेगी ना, वो ऐसे ही हमें हमदर्दी दिखाता रहेगा और लोगों से दुश्मनी मोल लेता रहेगा। हे कृष्ण भगवान, मुझे काम से जब भी मौका मिला मैं तुम्हारे दर्शन करने जरूर आऊंगी। हे कृष्ण भगवान बस तू विश्वास को सही सलामत रख, विश्वास हम तेरी हमदर्दी का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
छोरी सुन, थोड़ा ढंग से रह ले या चुनिया ना सिर पर रख के चलाकर। अरे ओ अमित, मैं तेरी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, समझाना मुझे आज के बाद कुछ मत कहना, मुझे मेरी इज्जत आबरू अच्छे से पता है। माँ हाँ। मुझे रास्ते में अमित मिला था। क्यों, क्या बात है, क्या कह रहा था वो? कुछ ना, डांट रहा था, कह रहा था सर पे चुन्नी रखा कर, तमीज सिखा रहा था, समझने की धमकी दे रहा था मुझे। तो इनका मुंह मत लगा कर। चल ठीक है माँ, तू मुझे 20 रुपए दे दे। क्या करेगी, जन्माष्टमी है, मंदिर में देने थे। हाँ ले, मैं जा रही हूँ, तू मंदिर में देख के आ जाइयो। ठीक है। ए, आ गई श्रद्धा। हाँ चल, माँ बुला रही है तुझे काम के लिए। के बात है? कुछ नहीं, वो जन्माष्टमी थी तो मेरा व्रत था, मंदिर में पैसे देने थे। पैसे देने थे? लाओ रे कुत्ते। सुनो सुनो सुनो, ये ऐलान सभी गांव वाले ध्यान से सुने कि ये 20 रुपए श्रद्धा अपनी खुशी से दान कर रही है। भगवान इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं विश्वास इसको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इब्तो पानी सर पे तो उतर लिया, उलाने बहुत आने लगे। जिसका आगा ना देखा था ना कभी, उसका पीछा देखना पड़ रहा। तुम समझाते भी तो ना हो उसे ढंग से, अगर समझाते ना तो ये दिन न देखने पड़ते। अरे हरिंदर, तू तो उसके पीछे ही पड़ा रहा हर वक्त। भाई आखिर को तेरा तन्ने तो हद ही कर दी बिल्कुल। लो ये मामा जी का फोन आया। मामा जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ मामा जी। अरे संदीप आया था क्या? नहीं तो क्या बात हो गई? बात क्या, परसों पेपर देने गया था, अब लो नया, सारे मेरे को पता लगा लिया, पता नहीं कित गया। अरे क्या बात होगी? अरे संदीप गायब हो गया, 2 दिन से ढूंढ रहे, मिलना रहा। ला मुझे दे फोन, मैं करूँ बात। हाँ जोगिंदर। हाँ जी जी। अरे तन्ने कुछ कही तो ना उसे? ना मैंने तो कुछ ना कही उससे। फोन दिए? हाँ जोगिंदर। हाँ जी। पुलिस वुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ जी करवा दी है। भाई तो हम भी आई रहे। हम भी चलेंगे जी। हाँ ठीक है जी, आ जाओ। अरे भाई हम मेरे कल भट्टी बंद रहेगी, सारा दूध जो है उसे डाल दिए तीनों का। क्यों? अरे कल हम अपने मामा के जाएंगे सारे, 2 दिन से मामा का छोरा गायब चल गया। ठीक है भैया। और सत्तो तू भट्टी की राख निकाल दिए और सफाई करके घास लिए। ठीक है जी। अरे बखत से कर दियो, 9 बजे तक हम कर देंगे तो फिर हमारी छुट्टी रहेगी के? ठीक है राख लियो। ताऊ सुना कुछ ऐलान तूने? हमने तो कुछ सुना नहीं भाई, तू बता। अच्छा, अरे अरे भाई रेंदर इधर आइए। हाँ बताओ भाई। कुछ ऐलान तो सुना होगा तूने? ना भाई मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो गांव में था। अपने भाई ने समझा लिए और तेरे पिताजी को समझा के आए थे। ज्यादा बकवास ना कर, सीधी सीधी बता बात क्या है। वो जो तेरा छोटा भाई विश्वास है ना, उन्हें श्रद्धा की सारी तमन्ना पूरी करने का ऐलान कर रखा है। रोक लियो उसे या रोकना मैं बहुत आवे। चुप कर जा, मैं घर जाकर पूछूंगा क्या बात है। पिताजी इस पढ़ाकू का दिमाग ठीक ना है बिलो? क्यों अब क्या हो गया? यू ऐलान कर रहा था, पूछो इससे किस बात का ऐलान कर रहा था। अरे क्या ऐलान कर दिया भाई? यू क्या बताएगा, मैं बताऊंगा। यू श्रद्धा की सारी तमन्ना पूरी करने का ऐलान कर रहा था। तुमसे रुकता हो तो रोक लो, अनि वो अच्छी ढाले जाने रोकने इसे। ओ हरिंदर, उनकी तो हिम्मत के है मुझे रोकने की, रोकना तो उनके बस की भी ना चाहे उनकी गैल तू भी आ जाइए। अरे क्या कह रहा, किसके बस की नहीं? उन्होंने के गुना कर दिया, अब कोई भी आदमी उन्हें देख के खुश ही नहीं है। हरिंदर तू भी चुप बैठ जा और तुम भी चुप बैठे रहो, विश्वास तो बता सच बात क्या है। सच सुनने की हिम्मत है इनमें?
अरे कौन सा सच है भी, हमें भी बता दे। सरदा ने उस गिलास में पानी पी लिया, वो भट्टी में फेंकना जरूरी था के। और वे समाज विशेषक बन रहे हैं, नाम उन्हें लिखने नहीं आते, और वे फोन पे तय कर रहे हैं लोगों के चरित्र। दो अक्षर पढ़कर उसका घना हिमायती बन जा, एक मिनट में रुक जाएगा। तू रुक और उन्हें रोक, मुझे रोकने की जरूरत ना है। तू दिल्ली पढ़ रहा है ना, वहीं पढ़ाई पूरी कर, यहाँ आने की जरूरत ना। हाँ मैं कौन सा यहाँ आना चाह रहा हूँ, मैं तो लैपटॉप लेने आया हूँ, दुआ दो मैं चला जाऊंगा। तेरी माँ के पास पैसे धरे, उन्हें लेके तड़की निकल जाइए, मुझे ना दिख जाइए। हाँ ठीक है। लो भैया खाना। पढ़ाई कैसी चल रही है भाभी तेरी? अच्छी चल रही है भैया। और एग्जाम कब से है? 15 तारीख से। अच्छा अच्छा ठीक है। ले भैया पैसे, 50,000 रुपए हैं, लैपटॉप खरीद लिए, और हम तेरे मामा के जा रहे हैं सुबेरी, तू हमें ढूंढता फिरे जाएगा फिर, और रख ले लेना। धर दे। के हो गया मामा के? तेरे मामा का छोरा गायब हो रहा है कई दिन से। कौन से का? बड़े का। अच्छा वो भैमी सा। हाँ भैया अब जा रहे हैं, अब देखो वो मिलेगा ट्रकों पे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, देख लिए तू, क्योंकि उसके बहम था ट्रकों का। भैया लैपटॉप जरूर ले लीजिए, इन पैसों को वैसे खर्च मत कर दिए, और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे। पैसा लग रहा पढ़ाई में? यू कोई नहीं आ रहा पैसा? अच्छी है ठीक है। माँ? हाँ बोल। मैं जा रही हूँ भट्टी साफ करके और झाड़ू वाड़ू लगा के आ जाऊंगी, फिर सुमन के साथ जाके स्कूल और रोल नंबर ले आऊंगी। चल जा ठीक है। हाय राम, मेरी तो सलवार फट गई। अरे श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा गए सब? जी। अच्छा अरिया भट्टी या क्यों ना चल रही? जी वो दूध के लिए मना कर दिया था इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और तुझे क्या होया, ऐसे क्यों कर रही है? जी कुछ नहीं। नहीं कोई तो बात है, जब मैं बोल रहा तो तू बोली भी नहीं, और ये ऐसे क्या कर रही है? वो मेरी वो क्या सलवार फट गई। अच्छा चल तो वहाँ भाभी की सलवार ले ले और पहन ले। नहीं नहीं रहने दो। क्यों ऐसे कैसे घर जाओगी फिर तू? चल मैं ला रहा हूँ, रुक एक मिनट। हो गया। अच्छा तू तो वहां जाने वाली थी स्कूल में रोल नंबर लेने। हाँ ठीक है, चल मैं भी जाऊंगा उधर, मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे जाना है उधर, मैं छोड़ दूंगा। तैयार हो जा तू, जाके मैं आ रहा हूँ, जा। ठाकुर साहब, फतेह सिंह के घर में हासिल लगे लग रहे हैं हासिल। ये बात हुई बात है, हर 10 किलो अंडी भूसके को चमत है, नड़ा बांधती हुई बार निकली, और फतेह का लड़का भी वहीं आ गया दूध काट के। गजब हो रहा है इस घर में तो। गजब
और गजब तो ऐसा हो गया, हासिल लगान लग रही है। असली हासिल तो मैं बताऊंगा ही ना लगाने, मैं बताऊंगा। छोरी क्या बात हो गई, ऐसे क्यों हो रही है? माँ मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही थी, चक्कर आने की वजह से मैं गिरी और मेरी सलवार फट गई। चल दुखी मत हो, मैं तेरे दवाई का जुगाड़ करूंगी। तू नहा धो के तैयार होके जा, रोल नंबर ले आ। माँ विश्वास आ गया है, मैंने अपने कागज रख लिए, मैं जा रही हूँ उसके साथ, वो मुझे स्कूल छोड़ देगा। ठीक है जा, टाइम से आ जाइयो। हाँ आ जाओ। श्रद्धा, 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 क्यों हो गया? क्यों हो गया? हैं? तेरे तो खून भी आ रहा? हैं? चल, चल ठीक है, घबराओ मत, डॉक्टर के चलेंगे पहले। बैठ जाओगी? दिखा चुन्नी, दिखा अपनी, दोनों ओड़ को पैर करके बैठ, दोनों तरफ को करके बैठ जा। तो ये बात है, जब मैंने सपना देखा वहां जाके देखा तो कुछ बोला ही नहीं। कमाल है भाई। अरे ताऊ के बात की सा परेशान सा लग रहा। अरे ताऊ ऐसा क्या देख लिया तन्ने? अरे फत्ते के घेर में हर दास की लुंगी भूसके कोच्चे में नाड़ा बांधती हुई बाहर निकली और फत्ते का छोटा छोरा भी गैल था उसकी दूध काट के। इसका मतलब भाज की वो है? यह बात समझ में नहीं आई, यह बात समझाओ भाई। दूध काट के दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे तावड़ तोड़ में, इसका मतलब समझ लो आप। समझ गए, हम तो पहले ही समझ गए थे, भाग गए की दूध काट के। ये तो बहुत गलत हुआ जी हमारे समाज की गैल। हाँ सुबह हरदास की बहू के दौरे चलेंगे दूध काट के। हाँ जी ठीक है, ठीक है जी ठीक है। जीभ निकालो, बाहर निकालो। भाई इनकी टीवी लास्ट स्टेज पर है, आप इन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ नहीं हो पाओगा? जी नहीं। कहाँ है फतेह सिंह? अरे गंगादास, फतेह सिंह तो यही है, क्या बात हुई? हम क्या क्या कह गए थे, भूल गए तुम? ओए उंगली ना ठाक, क्या बात है, क्या मामला है? फतेह सिंह बताएंगे हम, खाल तू मारी उधेड़ेगा अख हम तेरी। गंगादास होश में है? गंगादास तो होश में है, प्रथम होश में नहीं हो। हम यहाँ पूछना है कहाँ है सरदार? अरे हम तो अपने मामा के जा रहे थे, अभी 10 मिनट पहले आए, लत्ते तक न उतारे। देखा कई पास भी नहीं मान रहा, ठाकुर पना दिखागा मान्या, कल सुबह 10 बजे देखा था मैंने, सरदार को लेकर जा रहा था वो। सर तो तू बता क्या मामला है? ठाकुर साहब सरदार सुबह काम पे आई थी, उसे काम पे तबीयत खराब हो गई थी, खून की उल्टियाँ हो गई थी और उसे उसके बाद रोल नंबर लेने जाना था। घर आई और कहने लगा विश्वास जाएगा, उसके साथ चली गई, भगवान जाने उसके बाद क्या हुआ। फतेह सिंह कल हाथ जोड़ के पूछ रहा था और जबान फाड़ के पूछ रहा हूँ, जल्दी बता दे छोरी कहाँ है, नहीं तो हम कल सुबह रिपोर्ट कर देंगे दूध काट के। गंगादास रिपोर्ट सो फेरी कर लिए, पर इतनी तावल न करे, रिपोर्ट तो तड़की भी हो जाएगी, हमें भी देख रहे। फतेह सिंह ठगराट कटवानी चाह रहा, आराम से बता दे कहाँ है छोरी। इनसे कहने की जरूरत ना है, प्रधान को लेकर चलो थाने, 2 लाख लगते बता देंगे सरदा कहाँ पे है। ओए
तुम्हें जो फांसी चढ़वानी है चढ़वा लियो, चलो यहाँ से, एक एक को चीर के रख दूंगा। चलो रे, फिर देखेंगे दूध काट के। सत्ता तुझे भगवान की कसम है, पुलिस के सामने सच सच बोलिए। कहाँ गए बापू? अरे नशे रे, इन्हें नहीं देखेंगे। खून इतना ठंडा है, छोड़ दे, घर का नाश करेगा क्या? रे फोन लगा के देख ले उसके धोरे, लगा ले। मैंने 20 बार फोन लगा लिया, फोन नहीं लग रहा। बिना ही मरेंगे, बिना ही। तुम लगाओ एक मेरा फोन उसके धोरे। अरे चांद, हाँ, वो भेरे से अपने कागज मंगवा ले। क्यों? क्योंकि भागी सरदा। और हम तो रह ही गए। और रहते ही क्यों भाई गुट्टक? मन्नत 100 बार कही, इसमें से फिजिकल हटा दे, हेल्दी प्यार करेंगे, अब तो फत्ते का विश्वास करेगा। अरे सारी बात यह है, हमारा माहौल नहीं बना। अपने बापू कहता हूँ बनवाता माहौल, वो घसारियों को देख के एक आंख पे लोड गिर है। घना ना बोल रहा तू, ऐसा डिप्लोमा ना कर रखा तन्ने। अच्छा रे, अब तू डिप्लोमा भी जाने लगा? आज ही कहूँ तेरे बापू से, वो दिवाओगे तुझे एडल्टी का डिप्लोमा जब चलेगा तू इस लैंड में। श्रद्धा जी को टीवी है जी, एडवांस स्टेज में है ना, इसमें इनको खून की उल्टी वगैरह दी होगी जी। काफी एडवांस स्टेज का टीवी है, बीमारी बढ़ गई है और इनको लंबा इलाज कराना पड़ेगा। कुछ दिन इनको आपको भर्ती भी करके रखना पड़ेगा। अब आप जाइए काउंटर पर और 20,000 रुपए जमा कराए। नमस्कार, आइए। साहब हमारे गांव की छोरी का अपहरण हो गया सर। बैठे बैठे, किसने किया? साहब हमारे गांव के फत्ते सिंह के लड़के ने ही किया है। क्या नाम है उसका? साहब उसका नाम विश्वास है। लड़की का नाम बताओ। साहब लड़की का नाम श्रद्धा है। ये घटना कब की है? परसों सुबह 10 बजे की है। लड़की किसकी है? वो साहब हमारे गांव के गरीब हरदास की लड़की है। ये हरदास कौन है? साहब वो तो मर गया है, उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उनको न्याय मिलना चाहिए। साहब ये ठाकुर गांव का बहुत दबंग आदमी है। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए चलो। अमित, USHO जो है ना ठाकुर है और यू फतेह सिंह का फेवर लेगा। तू एक काम कर, मंत्री साहब को फोन मिला। हेलो अमित, क्या बात है? मंत्री जी, एक ठाकुर का लड़का हमारे बिरादरी की एक लड़की को भगा के ले गया और ये इंस्पेक्टर साहब उसकी रिपोर्टिंग लिख रहे। हाँ अमित, चल मेरी बात करा इंस्पेक्टर से, मैं बात करूंगा। ठीक, अभी बात कराता हूँ मैं। साहब। हाँ बताइए। फोन है। किसका? मंत्री जी का। लाओ बात कराओ। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सामाजिक कल्याण मंत्री बोल रहा हूँ, जय किशन। जय हिंद सर, मैं SHO छतरपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ये सब मेरे खास आदमी है और जो भी इनकी समस्या हो दूर करें। ठीक है सर। अगर कोई ज्यादा चूर चपट करे उठा लो सालों को। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है जी सर। जी सर, जय हिंद सर। श्रद्धा। ठीक है, डॉक्टर आया था? चेक कर गया है? अच्छा, खांसी तो ना उठी? फिर कोई दिक्कत तो ना हो रही तुझे? हैं? ये इनकी दवाइयाँ हैं और इन्हें टाइम से देते रहना, कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। जी ठीक है।
कही थी मैंने थारे साहब, हो गया ना घर का नाश। अरे तू चुप भी रहू जागा ना, लालच में पड़ जाओ। हाँ तू भी सुना ले, नाश तो हुआ ही पड़ा। तुम लोगों में से फतेह सिंह कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब, राम राम, आओ जी आओ, बैठो जी बैठो। अरे हरिंदर, चाय बनवा के लेके आ। अरे गंगादास, तुम भी आओ बैठो। फतेह सिंह, हमें कहाँ बैठने दे तू, दूध काट के। विश्वास आपका ही लड़का है? हाँ जी, मेरा ही लड़का है जी। कहाँ है वो? तो दिल्ली गया होगा, हमें तो पता नहीं। आपको सब पता कहाँ है लड़का? अपने लड़के को कहो लड़की को लेकर जल्दी पेश हो जा, नहीं तो अंजाम का पता ही है आपको क्या होगा। हमें नहीं पता इंस्पेक्टर साहब कहाँ है, हमें तो सारी कहानी यही बताने लग रही। 6 बजे से फोन मिला रहे, उसका तो फोन भी नहीं उठ रहा। साहब इन्हें सब पता है, 4 लड़ रहे तो साहब सब पता था। कहाँ सरदा? अरे लोगों की साथ हूँ मैं इंस्पेक्टर साहब, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ विश्वास। फतेह सिंह मामले को ज्यादा पेचीदा बनावे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है, कई बड़े आदमी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे, आपके कभी भी कुड़की के वारंट इशू हो सके। साहब जो कल 10 बजे तक सरदा नहीं आई तो उनकी बुक उठा ले जाएंगे। रुको फतेह सिंह। इंस्पेक्टर साहब कौन है ये, किसका है? अगर हमारी बहू बेटी का नाम तेरी जबान पर आ गया ना, इसी बगल में चंदन काट दूंगा। फतेह सिंह आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। देख रहे इंस्पेक्टर साहब, इनका बर्ताव कैसा हो रहा है? जब किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसा बोल लोगे तो गुस्सा तो आएगा। इंस्पेक्टर साहब हम भी समाज के आदमी हैं, समाज में रहने का हमें भी पता, इस कलंक को लेके मार में पिना जिया जाने का, ये बात समझ नहीं रहे? पर अगर ये कहानी इन्होंने इस तरह करी ना, ये कहानी कुछ और ही बन जाएगी। हे भगवान, इस अपार दुख को झेलने की ताकत दे। भगवान, श्रद्धा के भागने से पहले तू हमें अपने पास बुला लेता तो ये दुख तो ना देखना पड़ता। कोई बात नहीं, भगवान हमारी सुनेगा फिर। कपिल, कपिले, ओ कपिल, कपिल बता विश्वास कहाँ है? की बात हो गई? अरे तुझे सारा पता है, क्या बात होगी? उसका पता बता दे, कहाँ है वो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता? अरे बता भी दे भाई, विश्वास कहाँ है? तने उसकी नस नस का पता है या बिरादरी की बात है? तू ना कटाओ हमारी। अरे ना तो उसका कोई फोन आया, ना उसका कोई नंबर लग रहा। अमित भाई तो पढ़ा रखा उन्होंने, वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो जात का ठाकुर है ना, तो वो कुछ करे। तू एक काम कर, मंत्री साहब को फोन मिला। ठीक कर रहा भाई, अभी मिला रहा हूँ। अरे बता दे भाई, नहीं तो साथ में तू भी लिपटेगा। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर। जय हिंद सर। हाँ इंस्पेक्टर, सरदा वाले मैटर में क्या हो रहा है? सर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ केस क्या बना उसका? सर बलात्कार अपहरण में केस दर्ज किया है। हाँ इंस्पेक्टर, केस को बहुत मजबूत करके बनाओ। और लड़की की उम्र क्या दर्शाई है आपने? सर लड़की बालिग बताई गई है। ऐसा करो उसे नाबालिग दिखाओ। जी सर। कोई पकड़ा गया? नहीं सर, कोई नहीं पकड़ा गया। ठीक है, 9:20 पर नखलाऊ के लिए ट्रेन आती है, तुम वो पकड़ लो। समझ गए? पकड़ लोगे? ठीक है। ले। दरोगा जी, राम राम। राम राम। कहाँ है फतेह सिंह? यहाँ तो कोई भी नहीं है जी। कहाँ गए सब? पता नहीं कहाँ गए। कब से? 2-3 दिन हो गए जी, मेरे तो बता के नहीं गए कहाँ गए। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? मुझे नहीं कुछ पता जी। क्यों नहीं पता?
जब यहाँ रहते हो क्यों नहीं पता आपको? मैं तो भट्टी पे काम करूँ जी, बस मुझे कुछ और नहीं पता जी। अरे काम करते हो ये तो पता होना चाहिए, यहाँ के लोग कहाँ गए? मुझे नहीं पता। देखो ना कहाँ है, झूठ बोल रहा है, कब गए हैं वो? मुझे नहीं पता। उनका फोन नंबर दो मुझे। ना जी मुझे नहीं पता। उनका लड़का जो विश्वास दिल्ली पढ़ता है वो कब आया था? हाँ जी दिल्ली पढ़ता है पर वो तो आया नहीं। अरे यहाँ कब आया था मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम जी। अच्छा मालूम ही नहीं है, कुछ तो मालूम होना चाहिए। मेरे तो नहीं बताते जी कुछ भी, मैं तो नौकर हूँ। मिला कोई? नहीं। सब जगह देख लिया? हाँ जी सब जगह देख। किसी रिश्तेदार का नंबर? अजी मेरे पास नहीं कुछ। हाँ श्रद्धा जी कैसी है आप? ठीक हो? पहले से ठीक है। तबीयत ठीक है? कुछ और परेशानी खांसी वासी तो नहीं है? कम है। अच्छा ठीक हो रही है बाप? काफी आराम है ना? काफी आराम है। साहब ये विश्वास का दोस्त है। आप विश्वास के दोस्त हो? हाँ सर मैं विश्वास का दोस्त हूँ। क्या नाम है आपका? कपिल नाम है मेरा। कब मिला था तुम्हें? काफी दिन से नहीं आ रहा, उसके एग्जाम चल रहे थे, पता नहीं उसका कुछ, काफी दिन से नहीं आ रहा। जब वो गांव में आए तुम मुझे सूचना दोगे, तुम मुझे अपना फोन नंबर दो। 9555737479। तुम्हें तो पता ही है ये कितना गंभीर मामला है जी सर। इस मामले में तुम भी फंस सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना, उसकी कोई सूचना मिलते ही मुझे फोन करना। चलो सुनो। हाँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखो मेरा ऐसा करने से अगर एक इंसान की जिंदगी बच सकती है तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। विश्वास, क्या तुम्हारे जैसा मेरी जिंदगी में भी कोई आ सकता है? मेरे से भी अच्छा आ सकता है, तुम ठीक तो हो जाओ। ले तो ठीक है तेरी स्थिति। मेरा फोन गिर गया था उस दिन जब हम आए थे, तो मैं एक फोन लेने जा रहा हूँ, तो घबराइए मत, थोड़ी देर में आ लूंगा मैं, एक घंटे में आ लूंगा। ठीक है सब चीज यहाँ रखी है, कोई जरूरत हो तो पानी रखा है, दवाई रखी है। ठीक है कोई बात हो तो आवाज लगा ली। भाई सुंदर का फोन आया था हॉस्पिटल से। अच्छा उसने वहां श्रद्धा को देखा है? अच्छा हाँ। तो भाई जल्दी पुलिस को फोन करो। अरे भाई उसे ना फोन करो, वो दरोगा भी ठाकुर है, अगर जो उसे पता पड़ गई वो दोनों को हॉस्पिटल में से गैप करवा देगा। चलो भाई फिर श्रद्धा को लेकर। हाँ, चलो चल 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 चल। श्रद्धा है? श्रद्धा 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 कुछ लोग आए थे उसको लेके चले गए। सफाई करवा कागी पकड़ी से बाहर तो तने नाक कटवा दिया पुलिस में, वही दवाई देनी मेरी साल बात करवा फोन क्या ले लो। हम तुम्हें बिरादरी से कटवा देंगे और तेरा चिड़ा हराम हो जाएगा। सत्तू
अब कान खोल के सुन ले तू, जो हम कहेंगे ना वही करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को यही फूंक देंगे हम। ठीक है, हम आप लोग जो कहोगे वही कह देंगे। समझा ले इसे, जो हम कहेंगे वही करना होगा, वरना इस लैला का ऐसा हाल करूंगा कि साथ ब्याह करवाने लायक नहीं रहेगी। अमित दरवाजे के द्वारे फोन कर तू, और उसे भी कह दियो श्रद्धा और उसकी माँ विश्वास के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, तो फते के यहाँ चलेंगे, पुलिस भी वहीं होगी। दरोगा जी श्रद्धा मिल गई है, वो और उसकी माँ विश्वास के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। श्रद्धा ने बताया कि विश्वास ने उसका अपहरण करके बलात्कार किया है, आप जल्दी से आओ और विश्वास घर वालों को गिरफ्तार कर लो, विश्वास तो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। फतेह सिंह। अरे इंस्पेक्टर साहब आओ आओ बैठो। कोई बैठना नहीं फतेह सिंह, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है। इतना समझाने के बावजूद भी आपने अपने लड़के को थाने में पेश नहीं किया, ना जांच में कोई सहयोग किया, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब ढूंढन तो लग रहे हैं हम उसे। इंस्पेक्टर साहब विश्वास हमारे लिए मर चुका है और आज उसी की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आप लोगों को बहुत मौके दे चुका हूँ मैं, अब जो भी कहना है थाने में कहना, पकड़ो इन्हें। हेलो। हाँ हेलो, कौन? हाँ मैं विश्वास बोल रहा हूँ। विश्वास, अरे भाई कहाँ था तू अब तक, गांव में बवंडर मच रहा। के बवंडर हो गया? आज श्रद्धा श्रद्धा की माँ ने गवाही दी है तेरे खिलाफ, अरे पुलिस तेरे घर है, तेरे पापा को और तेरे भाई को उठा कर ले जा रही है, तू जल्दी से जल्दी आ जाए। हाँ अच्छा सुन, तू मेरी बात करवा पुलिस से। हाँ हाँ मैं करवा रही हूँ बात। ठीक है, गाड़ी में बैठाओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब विश्वास आपसे बात करना चाहता है। विश्वास ला बात करो। हेलो विश्वास, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हेलो कौन बोल रहे हो? हाँ जी मैं विश्वास बोल रहा हूँ। बोलो क्या कहना है? देखिए आप मेरे माँ बाप को ना पकड़े, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आ रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूँ? इंस्पेक्टर साहब ये मेरे घर की इज्जत मान सम्मान की बात है, आप मेरा यकीन तो करो। ठीक है, अगर तुम एक घंटे के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं इन दोनों को थाने उठा ले जाऊंगा। दरोगा जी वो तो झूठ बोल रहा, आपने इन्हें कई बार मौके दिए पर ये अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे, तब इन्हें अभी गिरफ्तार करो दूध काट के। साहब ये जो विश्वास है ना, ये झूठा और मक्कार है। साहब विश्वास ने हमारे समाज की लड़की की इज्जत को कहीं का ना छोड़ा, इसे अभी के भी गिरफ्तार करो। अरे जब उसने आने का वादा करा है तो उसका इंतजार करना चाहिए हमें। बैठो। सरदा मैं तो पहले भी कही थी गलती मान ले, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। जीने तो तू भी नहीं दे रही माँ, तुझे तो मेरा सच पता था ना। एक घंटे से ज्यादा हो गया है, विश्वास अभी तक नहीं आया, इन्हें दोनों को उठाओ और थाने ले चलो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अभी पता लग जाएगा क्या बात है। इंस्पेक्टर साहब मुझे क्यों गिरफ्तार करा जा रहा है? आपके खिलाफ अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज है। किसने करी है? श्रद्धा के परिवार वालों ने करी है। श्रद्धा भी कह रही है ऐसा? श्रद्धा मुझे नहीं मिली। तो आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अजी अदालत की बात है, अदालत अभी आप तय करेगी, श्रद्धा और उसकी माँ गवाही देंगी, हम कह रहे हैं ये इसे गिरफ्तार करो अभी। इंस्पेक्टर साहब आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, गिरफ्तार करो इसे। साहब ये बात बिल्कुल सही है, लेके चलो इन्हें। श्रद्धा श्रद्धा विश्वास को पुलिस ने पकड़ लिया। चलो थाने चलो। छोड़ दो इन्हें, ये निर्दोष है, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसके खिलाफ अपहरण और बलात्कार का केस दर्ज है। सर
मेरा ही नाम श्रद्धा है और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो सारी बदनामी झेल के मेरा इलाज करवाया। मुझे टीवी थी, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दो। आपने अपने घर वालों को जानकारी क्यों नहीं दी? सर मेरी तबीयत अचानक खराब हुई थी, मुझे खून की उल्टियाँ हो रही थी, ये तो मुझे इलाज के लिए ले गए थे। मेरा फोन तो घर ही रह गया था और इनका फोन बाइक से गिरने की वजह से टूट गया था। और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी नासमझी से इस एरिया में क्या बवाल कटा हुआ है? आप पे कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? आप किसी के डर से ये स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे? नहीं। जो आपने यहाँ बोल रहा है सब लोगों के सामने, उस आप उसे लिख के देने के लिए तैयार हो? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। भाइयों सुन लो, अब ये लड़की इसके पक्ष में गवाही लिख के देने को तैयार है। जब ये लड़की इसके पक्ष में गवाही दे रही है फिर तो इस पे कोई केस नहीं बनता, तो ये इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है भाइयों, मैं ना छोड़ दूं। ठीक है, आओ भाई। अब मैं क्या करूं विश्वास? तुम अपने घर जाओ और आराम से रहो। तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी होने के बाद ये लोग मुझे जीने देंगे? मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या फिर तुम मुझे अपना लो विश्वास। अरे सुन भाई, कहां जा रहा है? अरे विश्वास, मारे खानदान की तो इज्जत मिट्टी में मिलवा दी तने, या चोरी अब इस घर में ना रहने की है? इस चोरी को लेकर घर से बाहर निकल जा, तुझे हमने अपनी हर चीज से बेदखल कर दिया। रुक जा भैया, मैं तुझे ना जान दू कतई भी। मैं देखो कौन लिकार दे मेरे बालक को, मेरा जिगर का टुकड़ा। ना माना, अभी इस घर में नहीं रह सकता। कैसे कर दोगे बेदखल? ना हम तो बेदखल, अपने जिगर के टुकड़े को कैसे भेज दूंगे? तेरे पे जो नाज होता हो ना कर लिए, पिंडी पड़वा दी इस घर की। नाज यू कर रहा है, तुम कर रहे हो गांव वालों के कहने से? अरे इन्हें तो बढ़िया काम करा है, छोरी का इलाज करवाया, क्या नाज कर दिया इसने? इस लड़की के ऊपर कैसे लिकार दूंगा मैं अपने जिगर के टुकड़े को? मैं शादी करवाऊंगी इस लड़की की, इस लड़के से, अपने बालक से, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। तो दुनिया को क्या लेना इस बात से? ना जान दू कतई भी, मर जाऊंगी, मार दू एक आधे को, चाहे लाश बिछ जाइयो, कतई ना लिकड़न दू अपने बालक को, मैं लेके चलूंगी। चले आ, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ अपने बच्चों को, मैं कैसे भेज दूंगी? ना भेज दू खुश घना मन छोड़ के, बड़ा बनी है ना राजा मेरा दिल तोड़ के, दिल तोड़ के, दिल तोड़ के, बड़ी ना राजा मेरा दिल तोड़ के, जी के पास छह मन छोड़।